नमस्कार दोस्तों, जी है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G। दोस्तों आज मैं आपसे इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें भाई सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिला है जो हमें S22 Plus में देखने को मिला था, जिसके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो भी बनाई थी। दोस्तों भाई अपडेट हमें इस फ़ोन में देखने को मिला है, तो आज मैं आपसे उसी के बारे में बात करूँगा। देखिए दोस्तों इसमें लगा हुआ आ रहा है ए सॉफ्टवेयर अपडेट इज अवेलेबल। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है, 254 MB का है और इतना ही समथिंग हमें 200 से ऊपर का S22 Plus में देखने को मिला था, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। तो दोस्तों उसमें हमें जो चेंजेस होकर देखने को मिले थे, देखिए जो एप्लीकेशन होती है सैमसंग की फ़ोन के अंदर, उन्हीं में हमें काफ़ी अच्छे चेंजेस होकर देखने को मिले थे, तो वही सारे चेंजेस अब S20 FE में देखने को मिलेंगे इस अपडेट को करने के बाद। और हमारा जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पेज लेवल है दोस्तों, वो भी 1 अक्टूबर का हो जाएगा जब हम इस अपडेट को कर लेते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब सर इतना है कि S20 FE जो 5G वाला फ़ोन है दोस्तों, वो अभी अभी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें इसमें टाइम पर अपडेट मिलते जा रहे हैं। और दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्मूथ होती जा रही है पहले के मुकाबले। तो दोस्तों अगर आपके पास ये फ़ोन है तो फटाफट से इसको अपडेट कर लो, और जो नए नए फीचर हैं दोस्तों आप उनको अपने फ़ोन में ऐड कर सकते हो। जो नए नए अपडेट जो नए नए फीचर्स दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर आए हैं, वो सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस इतना ही बताना था आपको इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं अपडेट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सोचते हैं उसमें कुछ नहीं है, छोटा मोटा अपडेट है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जब भी अपडेट मिले आपको तुरंत से उसे अपडेट करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल लगूँ, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए दोस्तों बनाता रहता हूँ, जिससे आपको थोड़ी जानकारी मिल सके और हेल्प मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।